हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बढ़ेगा गांव बढ़ेगा देश में। दोस्तों, क्या आपके गांव में आपका घर बना है या नहीं बना है? दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज घर के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ। दोस्तों, मैं घर के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गांव या अपने अपने गांव का जो जितने भी आवास बने हुए हैं उनको ऑनलाइन उनकी लिस्ट कैसे देख सकते हैं, कितने फंड आए हुए हैं उनके, तो ये सब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से 1,20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है जो कि 4 किस्तों में दी जाती है। दोस्तों, पहली किस्त जब आपकी फाउंडेशन पड़ती है तब, और दूसरी किस्त आपकी 50% कंप्लीट होती है तब, और तीसरी किस्त जब 80% आपका घर का काम कंप्लीट होता है तो, और चौथी किस्त आती है दोस्तों जब आपका काम 100% कंप्लीट हो जाता है तब। दोस्तों, ये तो रही इस योजना के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपके आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन, अपने टैबलेट में सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों आपको गूगल ओपन करना है, और गूगल जैसे ही आप ओपन कर लेंगे दोस्तों तो सिंपली लिखना है आपको iay.nic.in, लिख के एंटर करना है दोस्तों। दोस्तों, IAY कुछ है नहीं, IAY स्पेशली इंदिरा गांधी आवास योजना, IAY का मतलब है, बाकी NIC.in। तो हम दोस्तों हमें क्लिक करना होगा, जो पहला लिंक यहाँ पे आएगा इस पर क्लिक करना है दोस्तों, FTO ट्रांजेक्शन समरी। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमें ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद दोस्तों हमें होम पेज पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो होम पेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है PMYG, देखिए यहाँ URL में चेंज हो गया है, PMAYGNIC.in नाम से ओपन होके आएगा। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। तो आप देखते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट या कुछ यूज़र इंटरफेस ऐसा है, आपको देख रहा है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। सो ये सब UI आपको पहले उनके होम पेज पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिंपली देख रहे हैं कि हमें मेन्यूज यहाँ पे बने हुए हैं, मेन्यूज बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें बेनिफिशियरी लिस्ट देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आवास सॉफ्ट पे जाना होगा, जो दूसरा मेन्यू है जहाँ पे हमारा कर्सर है, और उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे रिपोर्ट है दोस्तों, आप सिंपली वहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन होगा, और उसमें कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा ABCDE, ऐसे करके कई सारे इसमें फील्ड्स यहाँ पे दिए रहेंगे और उनके अंदर और भी सब पार्ट्स दिए रहेंगे। तो दोस्तों, हमें इन सब पे उतना ध्यान नहीं देना है, हमें जाना है ई सेक्शन में। ई सेक्शन में जहाँ पे मैं अपना ये कर्सर घुमा रहा हूँ, ई सेक्शन पे जाना है, और SECC रिपोर्ट्स के अंदर हमें फोर्थ नंबर पे, 1, 2, 3 फोर्थ नंबर पे यहाँ पे है कैटेगरी वाइज SECC डेटा वेरिफिकेशन समरी। दोस्तों, हमें चौथे ई सेक्शन में चौथे नंबर के लिंक को क्लिक करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक दूसरा पेज ओपन होता है, और दूसरा पेज अगर ओपन होता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं और बेनिफिशियरी के नेम दिए गए हैं, रिजेक्टेड बेनिफिशियरीज हैं, रिमेनिंग बेनिफिशियरीज हैं। तो ये टोटल बेनिफिशियरीज और इनकी डिटेल्स नॉर्मली आप एक देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि अब हमें अपने गांव का जो है बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करना है। तो हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे सेलेक्शन फिल्टर्स के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे मैं अपने कर्सर अभी रोटेट कर रहा हूँ, सेलेक्शन फिल्टर के सेक्शन में जाएंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे ऑल सेलेक्ट लिखा हुआ है, एक सेलेक्ट है, ड्रॉप डाउन है। यहाँ से आप सिंपली जो भी जिस भी स्टेट के हैं दोस्तों आप,
वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज सेलेक्ट कर लिया यूपी, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होने के बाद आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों ब्लॉक। आप जिस भी ब्लॉक के हैं वो ब्लॉक दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया ये ब्लॉक का नेम, और जैसे ही आप ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा कि आपका गांव कौन सा है। तो दोस्तों आपका जो भी गांव लगेगा, जो भी गांव होगा, आप अपना गांव सेलेक्ट करेंगे। जिस भी गांव का दोस्तों आप देखना चाहेंगे वो गांव आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपली गांव सेलेक्ट कर लिया, और गांव सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कैप्चा पूछेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 35+70, या दोस्तों यहाँ पे प्लस में भी पूछ सकता है या माइनस में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इससे घबराना नहीं है, जब तक आप ये इनपुट इसके अंदर कैप्चा कोड पे एंटर नहीं करेंगे वो आपको सबमिट नहीं होने देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबमिट करते हैं 35+70, टोटल यहाँ पे होता है दोस्तों 105। और दोस्तों 105 लिख के हम यहाँ पे करते हैं सबमिट बटन पे क्लिक। दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये हमारे जो जिस गांव का मैं सेलेक्ट किया था वो उस गांव की पूरी डिटेल सेलेक्ट होके यहाँ पे आ गया। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, जो बहुत से साथियों ने पूछा था कि उनके फ़ोन में दूसरे तरीके से ओपन हो रहा है और आपके लैपटॉप में ऐसे दिखता है, वो बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर आप फ़ोन में इसको ओपन कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में कुछ दोस्तों इस तरह का दिखेगा। तो दोस्तों आपके फ़ोन में ऐसे दिखेगा तो घबराना नहीं है, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे तीन बार्स दिए गए हैं, तीन डंडी दी गई हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो मेन्यू अभी आप हमारे सिस्टम में देख रहे थे, लैपटॉप में देख रहे थे, जैसे ये मेन्यू आपके फ़ोन में हाइड हो जाती है। तो वो हाइड होके कहाँ मिलेंगे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपके फ़ोन में बिल्कुल हूबहू ये फॉर्मेट ओपन हो गया है इस तरह का। तो मेन्यूज आपको खोजते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप तीन जो हॉरिजेंटल बार्स हैं, डंडी हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे मेनू यहाँ पे दोस्तों दिख जाएंगे। तो आपको जिस भी मेनू पे जाना है यहाँ पे जाके क्लिक करके जा सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे जिस गांव का मैं सेलेक्ट किया था उस गांव की पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है। डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, पंचायत नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बेनिफिशरी नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी एंड प्रायोरिटी। तो ये सब डिटेल्स हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि केवल टोटल 10 लोग बेनिफिशरी हैं इंदिरा आवास योजना के, या कह लीजिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना के। तो टोटल यहाँ पे 10 लोग हैं दोस्तों। तो जैसे देखिए यहाँ पे शिव वचन यादव हैं, सत्य नारायण गुप्ता हैं, और ऐसे ही कलावती देवी है, हरि नारायण पासवान है। तो दोस्तों इनकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। लिंक जैसे जैसे ही आप वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो एक फिंगर हाथ नुमा आइकन आएगा, तो वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, शिव वचन यादव नाम के जो बेनिफिशरी हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पे ले जाते हैं और क्लिक करके देखते हैं दोस्तों कि इनकी पूरी डिटेल वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आइए क्लिक करते हैं। जैसे उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे मैंने दोस्तों क्लिक किया तो उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आती है दोस्तों, बेनिफिशियरी की डिटेल्स, उनका स्टेट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, विलेज नेम, और उनका पर्सनल डिटेल, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली, फिनंशियल ईयर, और भी उनकी एज और हाउस स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीटेड। नरेगा जॉब कार्ड भी यहाँ पे दिखा दे रखा है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों बैंक डिटेल, उनके बेनिफिशियरी के पूरी बैंक डिटेल है, और यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंट स्टेटस दोस्तों वेरीफाइड है, और बैंक का नाम भी दिया गया है, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों सैंक्शन एंड कंप्लीशन डिटेल्स है इसमें, उसके बाद कवरेज डिटेल्स है, ऑर्डर शीट डिटेल्स है। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर शीट डिटेल्स में देखिए, इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट 17-18 में 40,000 रुपये आए हैं, और दूसरा इंस्टॉलमेंट 17-18 में 70,000 रुपये आए हैं, और
तीसरा इंस्टॉलमेंट 17-18 में ही 10,000 रुपये आए हैं और यहाँ पे आप ऑर्डर शीट डेट देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एफटीओ डिटेल्स जो कि दी गई हैं, और उसके बाद है इंस्पेक्शन डिटेल। दोस्तों इसकी जांच भी हुई है, इंस्पेक्शन डिटेल्स दिया गया, हाउस स्टेटस यहाँ पे दिया गया है, कंप्लीटेड इंस्पेक्ट डेट यहाँ दिया गया है, और इंस्पेक्टर ऑफिसर मोबाइल ऐप द्वारा मैप व्यू भी दिया गया भारत मैप के थ्रू, और दोस्तों हाउस फोटो, हाउस घर कितना बना है दोस्तों उसका फोटो भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये फोटो है उस घर का जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस बेनिफिशरी का फोटो भी शायद दिया गया है, और बाकायदा जो उसका फाउंडेशन जो पड़ा है उसका भी फोटो दिया गया है। तो इमेज भी दोस्तों यहाँ पे दी गई हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप अपने अपने गांव की लिस्ट ऐसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम होगी वेबसाइट ओपन करने में, तो मैं इस वेबसाइट का या पोर्टल कह लीजिए इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके क्लिक करके ये वेबसाइट आसानी से ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रही कुछ बेसिक सी डिटेल दोस्तों, आप अपने भी गांव के पूरी डिटेल्स, मनरेगा की डिटेल्स और इसके ग्रामीण आवास योजना की डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।